प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे ये नवरात्रि स्पेशल आलू बोंडा की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, ये नाश्ता बनकर बहुत ही टेस्टी तैयार होगा, और जब हमें भूख लगती तो कुछ चटपटा खाने का मन करे तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो नवरात्रि आने वाली है तो हम बनाएंगे ये रेसिपी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आलू को बॉईल करेंगे और इनको छील लेंगे। इस तरह से सारे आलू हमने छील लिए हैं। अब इनको अच्छे से मैश कर लेंगे किसी फोक या मैशर की हेल्प से। तो इस तरह से हमें ये सारे आलू मैश कर लेने हैं। आलू हमारे मैश हो चुके हैं। हम अब ऐड करेंगे इसमें ग्रीन चिली और धनिया की पत्ती, काली मिर्च का पाउडर, भुना हुआ जीरा और सेंधा नमक। आप इसमें जो भी चीज़ व्रत में ना खाते हो तो उसको स्किप कर सकते हैं। और इसमें डाल देंगे कुटी हुई मूंगफली और इन सबको अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। इस तरह से देखिए, तो हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। और इसके अब हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। इस तरह से हमें सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेने हैं। इस तरह से देखिए, हमारे सारे बॉल्स बनकर तैयार हैं। अब हम इनको एक साइड रख देंगे और लेंगे कूटू का आटा। उसमें डालेंगे ब्लैक पेपर और नमक, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम सेमी थिक बैटर तैयार करेंगे। पानी हमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है। इस तरह से हम बैटर तैयार कर लेंगे। इसमें डाल देंगे धनिया की पत्ते, थोड़ा सा पानी हम इसमें और डालेंगे, थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बैटर हमारा बनकर तैयार है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉल्स। घी को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो ये बॉल्स हम इसमें डाल देंगे और इन्हें अच्छे से कोट कर लेंगे बैटर में। और अब हम डाल देंगे इन्हें फ्राई होने के लिए। तो घी हमारा गर्म हो गया है। आप घी या जिस भी ऑयल में खाते हों वो आप ले सकते हैं। मैंने ये देसी घी लिया है। तो इस तरह से हमें हल्के हाथों से इनको पलट देना है। और इन्हें गोल्डन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम रखना है जिससे ये अंदर तक कुक हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे आलू बोंडा बनकर तैयार हैं। देखिए, तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। अब हम इसे और डाल देंगे। इस तरह से हम सारे बोंडे को तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे बनकर तैयार हैं। अब हम इन्हें ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे। ये धनिया पुदीने की चटनी है और इसमें हम थोड़ी सी तली हुई ग्रीन चिली
रख देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा व्रत का नाश्ता बनकर तैयार है। तो वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक और शेयर करें। थैंक यू।